नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आपके आने वाले इन सभी एग्जामों के लिए हमारी ये करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला था, यानी कि भारत में। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि पावर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी 1924 में, कहाँ पर, कानपुर में। चलिए अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा किस नदी पर रिकॉर्ड 40 दिन में एक सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि सिंधु नदी पर। भारतीय सेना ने 40 दिन में सिंधु नदी पर एक सस्पेंशन पुल का निर्माण किया है। इस सस्पेंशन पुल को नाम दिया गया है मैत्री ब्रिज। इस पुल की लंबाई कितनी है, तो इस पुल की लंबाई है 260 फुट। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, तो ये पुल किस नदी पर बना है, तो ये सिंधु नदी पर बना है, लेह लद्दाख क्षेत्र में ये पुल बना हुआ है। इस पुल को 40 दिन में बनाया है भारतीय सेना ने, और इस पुल को नाम दिया गया है मैत्री ब्रिज। साथ ही साथ ये सिंधु नदी पर बना 260 फुट लंबा पुल है, और इस तरीके से ये सिंधु नदी पर बना हुआ सबसे लंबा सस्पेंशन पुल है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जापान ने नए शाही युग का नाम क्या रखा है, तो जापान के नए शाही युग का नाम है रीवा, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। जब भी जापान में एक नए सम्राट की नियुक्ति होती है, तो यहाँ पर परंपरा है कि यहाँ पर जैसे ही नया सम्राट जो है गद्दी पर बैठता है, तो एक नया शाही युग का आरंभ होता है। और हर बार जब भी कोई नया सम्राट बैठता है, तो एक शाही युग को एक नाम दिया जाता है। इस बार नाम दिया गया है रीवा, क्योंकि जो युवराज हैं जापान के, उनका नाम है नारीहितो। ये जो है गद्दी पर बैठने वाले हैं मई में, तो 1 मई को जो है ये गद्दी संभालेंगे, और इनके गद्दी संभालते ही रीवा नाम से जो है एक युग की शुरुआत होगी जापान में, शाही युग की, ठीक है। इसके अलावा रीवा से पहले जो यहाँ पर युग था उसका नाम था हिसेई, तो अभी तक यहाँ पर हिसेई युग चल रहा है। 1989 से जो है ये युग शुरू हुआ था। 1989 में जो वर्तमान सम्राट हैं, वर्तमान राजा हैं जापान के, उनका नाम है अकीहितो। तो इनके शासनकाल में जो है, इनके समय जब ये गद्दी पर बैठे थे 1989 में, तब जो है हिसेई युग का आरंभ हुआ था, और अब तक जो है ये चल रहा है। और जब तक ये, मतलब 30 अप्रैल को जो है राजगद्दी छोड़ देंगे, तब तक जो है यहाँ पर हिसेई युग चलेगा। जैसे ये राजगद्दी से हटेंगे, तो यहाँ पर रीवा युग की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। जापान की अगर बात करें, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है जापानी येन, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शिंजो आबे। तो शिंजो आबे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा ध्यान रखिएगा, राजधानी ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको राजा दिखाऊं, ये अभी वर्तमान में जो यहाँ के सम्राट हैं जापान के, इनका नाम है अकीहितो। तो ये जो है अपनी वाइफ के साथ हैं, तो ये 30 अप्रैल को जो है राजगद्दी छोड़ देंगे। सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये वर्तमान में जो अभी नए राजा बनने वाले हैं नारुहितो, तो ये जो है जापान के नए राजा हैं, ठीक है। और इन्हीं के नाम के साथ जो है, जैसे ये गद्दी पर बैठते हैं, एक नया युग यानी कि रीवा नाम से जो है एक नए युग की शुरुआत यहाँ पर होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा देश 5 अप्रैल को दुनिया का पहला पूर्ण रूप से विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च करेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया 5 अप्रैल को दुनिया का पहला पूर्ण रूप से विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च करेगा। इसके लिए जो लॉन्चिंग है ये पूरे कोरिया में होगी, दक्षिण कोरिया में, ठीक है। किसी स्पेशल सिटी के लिए नहीं है, पूरे दक्षिण कोरिया में जो है 5G मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत की जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये पहला, अब दुनिया में पहला देश बन गया है जहाँ पर कि पूर्ण रूप से विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत की जाएगी। नए प्रणाली की तुलना में अभी अगर हम बात करें, जो 4G हमारे पास है, ये जो नई प्रणाली आई है 5G, ये 4G से 20 गुना तेज है, ठीक है। तो जो ये नेटवर्क है ये 20 गुना जो है इसकी तेज़ी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पहला जो शहर है जहाँ पर 5G जो है लॉन्च किया गया था, वो शंघाई था, चीन का शंघाई में जो है अभी 5G लॉन्च किया गया है, ठीक है। और अब जो है दक्षिण कोरिया में, पूरे देश में 5G लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, 5 अप्रैल को।
दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, यहाँ की जो मुद्रा है वो है वॉन। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो रखनी है राजधानी और दूसरा रखना है मुद्रा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, यह हमसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 7.2%। अभी एशियाई विकास बैंक ने जो भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ दर में जो अनुमान लगाया है वो लगाया है 7.2% वर्ष 2019 के लिए। अगर 2020 की अगर बात की जाए तो 7.3% जो है वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रहेगी। ये जो जीडीपी ग्रोथ है ये अनुमान होता है और ये कम ज़्यादा होता रहता है। एशियाई विकास बैंक की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ताकी हिको नकाओ। तो आपको अध्यक्ष याद होने चाहिए एशियाई विकास बैंक के, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के कृषि विभाग ने बिल्लियों पर जानलेवा प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि अमेरिका। अमेरिका के कृषि विभाग ने बिल्लियों पर जानलेवा प्रयोग जो भी होते हैं यहाँ पर उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका में 1982 से अब तक करीब 3,000 से अधिक बिल्लियों की मौत हो गई है उन पर होने वाले जानलेवा प्रयोगों के कारण हैं। अब बिल्लियों पे किसी भी तरीके का कोई रिसर्च नहीं किया जा सकता। जो वैज्ञानिक हैं वो बिल्लियों पर टॉक्सोप्लाज्मोसिस बीमारी का जो है बीमारी के ऊपर रिसर्च करने के लिए बिल्लियों का उपयोग करते हैं। इसके लिए बिल्लियों को एक परजीवी होता है जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, इससे संक्रमित किया जाता है और उसके बाद बिल्लियों के मल में जो है इस परजीवी को देखा जाता है। पूरी रिसर्च होती है और जब भी जो संक्रमित होती है इस परजीवी के कारण जो बिल्ली संक्रमित होती है उसको मारा जाता है, अगर वो बच जाती है तो भी जो है उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का जो है ये रिसर्च है, आप लोग गूगल में जाके पढ़ सकते हैं। आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए मैं आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। जो ये अगर हम बात करें टॉक्सोप्लाज्मोसिस की, तो ये जो बीमारी है ये खास करके बिल्लियों और दूषित भोजन के कारण होता है। इसके अलावा ये दूषित पानी के कारण भी होता है। बिल्लियों के मल में जो है बेसिकली जो ये परजीवी होते हैं उनके कारण जो है इससे काफ़ी लोग जो है इसके परजीवी के संपर्क में आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक सैफ्रॉन सॉवर्ट्स के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि मानुषी सिन्हा रावल सैफ्रॉन सॉवर्ट्स पुस्तक की लेखिका हैं और ये जो पुस्तक है ये गरुड़ प्रकाशन की ओर से लॉन्च की गई है। ये जो पुस्तक है इसमें 13,000 वर्षों में भारत के 52 अनसुने योद्धाओं का उल्लेख किया गया है। ये पुस्तक आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, तो 13,000 वर्षों में भारत के कुछ ऐसे योद्धा हुए जो हमें कहीं ना कहीं जो है इतिहास के पन्नों में लगभग विलुप्त पाए जाते हैं, लेकिन उनका उल्लेख कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। तो ऐसे योद्धाओं, ऐसे 52 योद्धाओं के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है और इस पुस्तक में महिला और पुरुष दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको इसी यहाँ से ध्यान होना चाहिए, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, प्रकाशक का नाम याद रखिएगा और इस पुस्तक, ये जो पुस्तक है ये किससे रिलेटेड है, अगर ये याद रहता है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है कि हाल ही में निम्न में से कौन PSA यानी कि प्रोफेशनल स्कॉच एसोसिएशन की विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वॉच खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि सौरव घोषाल। सौरभ घोषाल ने अभी टॉप 10 में शामिल होने का जो है एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। ये पहले भारतीय पुरुष स्क्वॉच खिलाड़ी बन गए हैं जो कि प्रोफेशनल स्क्वॉच एसोसिएशन की टॉप 10 रैंकिंग में शामिल हुए हैं। इस सूची में शीर्ष पर मिस्र के अली फराग और जो पहले स्थान पे हैं और इसी तरीके से मोहम्मद अल सोरबागी ये दूसरे स्थान पे हैं। ये दो के दो मिस्र के रहने वाले हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो महिला खिलाड़ियों में भारत की ऑलरेडी पहले दो खिलाड़ी हैं, दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा, ये दोनों ही जो है टॉप 10 में शामिल हो चुकी हैं। तो इसी से आपको यहाँ से पता होना चाहिए ये हैं, ये आप अपने सामने देख रहे हैं कौन है ये, तो ये सौरभ घोषाल हैं। ठीक है, जो कि टॉप 10 में शामिल हुए हैं, होने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वॉस खिलाड़ी हैं। इस तरीके से ये खेल होता है, सामने एक जो है दीवार होती है, एक वॉल होती है और ये जो जैसे टेनिस खेला जाता है वैसे ही खेला जाता है। इस साइड से जो है बॉल टकरा के आती है, उसको हिट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां है कि हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में होगा यहाँ पर मैं किसके कारण भारत में 1.2 मिलियन से अधिक लोगों की मौत
हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में भारत में 1.2 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हो गई है वायु प्रदूषण के कारण। जो रिपोर्ट है ये अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, इसने जो है जारी की है। तो इस हिसाब को यहाँ से ध्यान होना चाहिए, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में हार्ट अटैक, लंग कैंसर, डायबिटीज़ जैसे रोगों से विश्व भर में 50 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। और ये जो सभी रोग हैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं संबंधित हैं वायु प्रदूषण से। तो यानी कि वायु प्रदूषण के बारे में जो है काफ़ी गंभीर संकेत जो है इस पूरी रिपोर्ट में दिए गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9th है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2017 में जम्मू कश्मीर CRPF कैंप में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड निसार अहमद तांत्रे को भारत को सौंप दिया है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए सी वाला है, यानी कि UAE। UAE ने निसार अहमद तांत्रे को भारत को सौंप दिया है। ये CRPF कैंप में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। 2017 में जम्मू कश्मीर में ये हमला हुआ था जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। तो अब जो है निसार अहमद तांत्रे को भारत को सौंप दिया है UAE ने। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। या अगर बात करें निसार अहमद तांत्रे की, तो ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी है और वर्ष 2017 में जो ये हमला हुआ था इसका जो है ये मास्टरमाइंड माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये आप देख रहे हैं अपने सामने, तो यही है निसार अहमद तांत्रे, यही है जैश ए मोहम्मद का आतंकी जिसने CRPF कैंप में आतंकी हमला करवाया था और हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10th है कि हाल ही में सऊदी अरब की कौन सी कंपनी विश्व की एक साल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनी बन गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि सऊदी अरामको एक साल में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। और ये जो कंपनी है इसको दुनिया में सबसे बड़ा तेल कंपनी के तौर पर जो है देखा जाता है। पहली बार इसने अपना जो प्रॉफिट था वो दुनिया के सामने रखा और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इसका कहना है कि वर्ष 2018 में इसको जो प्रॉफिट हुआ था वो 111.1 अरब डॉलर का हुआ था। जबकि अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल को वर्ष 2018 में 59.5 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ था। हम लोग एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक इन सबको जानते हैं और इन सबको बारे में हमने पढ़ा भी है कहीं ना कहीं, और हम जानते हैं कि इनके जो मार्केट है वैल्यू है वो किस हिसाब से है, यानी कि ये कितना मुनाफा कमा रहे हैं, तो सब कुछ हमें पता है। लेकिन कई लोगों में से आप में से सऊदी अरामको का नाम पहली बार सुना होगा। इसका रीज़न ये है कि ये जो कंपनी है ये किसी भी स्टॉक मार्केट में जो है रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए जो है ये दुनिया से मतलब कह सकते हैं कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। लेकिन अब इसने जो है उम्मीद की जा रही है कि कंपनी बहुत जो है जल्दी स्टॉक मार्केट में शामिल हो जाएगी, यानी कि शेयर बाजार जो हम बोलते हैं अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो उसमें जो है ये शामिल होने वाली है। ठीक है, रजिस्टर कर देगी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 4 पॉइंट लिखे हैं, अच्छे अच्छे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गृह मंत्रालय के द्वारा हाल ही में दिल्ली के किस पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन चुना गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन जो कि दिल्ली का एक पुलिस स्टेशन है इसको दिल्ली में सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन चुना गया है। तो ये तो बात हो गई दिल्ली की। अगर आपसे भारत के बारे में पूछा जाएगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये आपको PDF में मिल जाएगा। अगर मैं आपसे भारत के बारे में पूछूं तो उन भारत के बारे में जो सबसे अच्छे जो पुलिस स्टेशन हैं उनकी सूची मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। पहले नंबर पे कालू जो कि एक राजस्थान का पुलिस स्टेशन है, तो ये पहले नंबर पे है। इसी तरीके से कैंपबेल, ये अंडमान और निकोबार का जो है पुलिस स्टेशन है एक, तो इसको जो है दूसरे नंबर पर रखा गया है। फरक्का, ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का पुलिस स्टेशन है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। कब बताया था? दिसंबर 2018 में। तो ये पूरी की पूरी जो रैंकिंग थी ये 2018 में दिसंबर लास्ट में जो है जारी की गई थी, तो उस वक्त मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको बताया था। तो आपको टॉप 3 याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी भी सिटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सॉरी किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। जैसे कि मैं आप बात करूँ, अगर आपको हिमाचल प्रदेश का एग्जाम देना है तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का जो चौपाल पुलिस स्टेशन है वो टॉप 10 पुलिस स्टेशन में शामिल है। अगर आप उत्तराखंड का
जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए कि मुनस्यारी उत्तराखंड का ऐसा पुलिस स्टेशन है जो कि बेस्ट पुलिस स्टेशन में सिलेक्ट किया गया है, टॉप 10 में शामिल है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी ये मैंने देख यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये वो पैमाना है जिसकी वजह से जो है किसी पुलिस स्टेशन को रैंक किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर पुलिस कर्मचारियों की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से है, जो कैदी रखे गए हैं वो कैसे रखे गए हैं, साफ़ सफाई का क्या ख्याल है, ये वो, तो इन सभी जो पैमाने बनाए गए हैं, जो पूरे पूरे रूल्स बनाए गए हैं, उनके हिसाब से जो है ये रैंकिंग जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में किस देश ने अपने MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर भारत को बेचने की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि अमेरिका। अमेरिका भारत को MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर बेचेगा और कुल भारत को 24 हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे। $2.4 अरब का जो है ये समझौता है, या फिर सीधे सीधे बोलें तो $2.4 अरब का जो है ये 24 हेलीकॉप्टर हमको दिए जाएंगे। ये जो हेलीकॉप्टर हैं आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, ये लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित हैं। ये हेलीकॉप्टर काफ़ी अत्याधुनिक हैं, जो पनडुब्बी होती है, जो पोत होते हैं, उन पे ये अचूक निशाना लगा सकती हैं। इसका जो उपयोग है वो समुद्र में तलाश और बचाव कार्यों में भी किया जाता है, तो एक तरीके से ऑलराउंडर है ये, बहुत सी चीज़ों के लिए जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्नों की। इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किसे LIC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। LIC के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं आपको ये बताना है। 3 के 3 क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा करंट अफेयर्स के ही हैं आज। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। सो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है। सो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।